तो एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो पार्ट है, और इसी में एग्जांपल भी कवर कर देंगे। एक्सरसाइज के लिए वीडियो कल बनाएंगे। अब वैसे तो यार एक्सरसाइज 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारी, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला और CSM था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। बट अब वो सिलेबस से हट चुका है। तो 4.3 अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स? दो। तो इनका नेचर बताओ कैसा है। अब यहाँ पे नेचर ऐसा नहीं है कि वो ठीक ठाक लड़के हैं या ऐसा 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 कुछ नहीं। नेचर यहाँ बात करेंगे कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल रूट्स हैं या इक्वल हैं या नो रियल, मतलब इमेजिनरी, उसके बारे में केवल डिस्कस होगा। क्यों सर नेचर ऑफ द रूट्स क्यों सिलेबस में है ना, ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो नेचर ऑफ द रूट्स इसलिए सिलेबस में है कि बहुत से ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनके रूट्स इमेजिनरी आते हैं, तो वो आउट ऑफ सिलेबस है। इमेजिनरी नंबर का आज तक कुछ पता ही नहीं आंसर क्या आता, तो इसीलिए वो सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए आपसे बोलेंगे रूट्स फाइंड करो, रूट्स का नेचर फाइंड करो फिर, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो कभी भी बात आती है कि रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, जिसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। आपको बी स्क्वायर माइनस 4AC ही फाइंड करना होता है। अब देखो जरा क्या, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, समझना बात को ध्यान से, बट मैंने आपको प्रूफ तक बताया। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर बी स्क्वायर माइनस 4AC क्यों उठाया, बी स्क्वायर माइनस 4AC ही क्यों, बी स्क्वायर माइनस 3AC क्यों नहीं, या बी की पावर 4 माइनस 4AC क्यों नहीं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन। अब एक बात सुनो, रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब जो रूट के अंदर है उसके बारे में ही स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, तो वो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4AC को उठाया और उसे कहा गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप एक बात सुनो, किसी भी बुक का, किसी भी लेवल का, मैथ्स का या साइंस का या किसी का भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसके केवल तीन आंसर पॉसिबल हैं इस दुनिया में, केवल तीन आंसर, या ज़ीरो, या ज़ीरो से बड़ा, या ज़ीरो से छोटा, चौथा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच लो, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो इन्हीं तीन आंसर में सिमट के रह जाएगा, या तो उसका आंसर ज़ीरो होगा, या ज़ीरो से बड़ा होगा, या ज़ीरो से छोटा होगा। आ गई ना, सारे आंसर इसी में आ गए। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC को भी जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसके भी तीन आंसर ही पॉसिबल हैं केवल, जब आपने बी स्क्वायर माइनस 4AC को सॉल्व करने आप बैठे तो केवल और केवल तीन ही आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। वो पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि इसका आंसर ज़ीरो से बड़ा आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है भैया, और हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4AC का आंसर किसके बराबर हो जाए, ये भी हो सकता है, और हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4AC का आंसर ज़ीरो से छोटा। ज़ीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, ज़ीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और ज़ीरो है तो मतलब न्यूट्रल, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, गॉट इट? तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तो इसके कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उनका जो नेचर होगा वो टू होंगे, और डिस्टिंक्ट होंगे, और रियल रूट्स होंगे। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4AC निकाला और उसका आंसर ज़ीरो से बड़ा आ रहा है, मतलब 1, 2, 3, 0.1, 0. कुछ ऐसा आ रहा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे ना वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। अगर एक टू है तो दूसरा टू नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होंगे, 2, 3 होंगे, या एक टू है तो एक 4 होगा, एक 10 है तो एक 20 होगा, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है? क्लियर है? तो ये उसका नेचर ऑफ द रूट्स हो गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है, रूट्स तो दो ही होंगे, बड़ो इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स, इक्वल होंगे और रियल होंगे, मतलब टू है तो दूसरा भी क्या होगा, टू।
अगर जीरो से कम आता, कोई होंगे तो दो ही, लेकिन नो रियल रूट्स, सब इमेजिनरी होंगे, नो रियल, ये आपको याद करना है, ठीक है। मैं समझा भी दूंगा ऐसा क्यों है, बट फिलहाल आपको ये याद करना पड़ेगा कि टू इक्वल रियल रूट्स क्यों होंगे या नो। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। नंबर वाली बात ये है, केवल इतना आप ये याद कर लो बस, ठीक है, इतना आप ये केवल याद कर लो। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें रखे रखे क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो जो उनके रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट। तो सर वो इक्वल क्यों होगा, तो देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये एक्स के बराबर होता था, यस और नो, एक्स के बराबर होता था। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखो अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रूफ, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, वरना इतना भी याद कर लो प्रूफ एग्जाम में नहीं आते हैं। तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने, जीरो पुट कर दिया, चलो सॉल्व करो। तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट जीरो की वैल्यू ज़ीरो अपॉन टू ए, तो ज़ीरो लिखो या फिर मत लिखो। तो एक बार हम लोग करते क्या, प्लस करते हैं, एक बार माइनस, एक बार करो प्लस, तो माइनस का भी प्लस जीरो अपॉन टू ए, और एक बार करो यस और नो, एक बार प्लस लगाते एक बार माइनस, बाकी तो सब ऐसा ही रहता है। तो दोनों बार आंसर देखो क्या रहा है, माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस बी अपॉन, तो दो रूट सारे देखो दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस और नो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो है तो रूट्स दो हैं, लेकिन दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल, और दो रूट्स तो भाई हमेशा ही होंगे, अगर पावर टू है तो रूट्स तो होंगे ना, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। अच्छा अब ये वाला बताते हैं, नो रियल रूट्स, कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से कम है, जीरो से कम है मतलब नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ, मालूम माइनस टू आंसर है समझाने के लिए, तो रूट के अंदर माइनस टू क्या होता है, इमेजिनरी। आज तक इसका कोई आंसर बता पाया, तो एक आंसर क्या होगा, एक बार लो प्लस, यहाँ पे एक बार क्या लेते हैं प्लस, तो एक तो ये हो गया, और एक बार क्या लेते हैं माइनस, तो ये दोनों ही आंसर देखो नो रियल रूट्स है ना, रियल है ही नहीं, इमेजिनरी ये भी और इमेजिनरी, क्या चमका। अगर कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू टू से मतलब ज़ीरो से बड़ी है, तो मैंने कहा ज़ीरो से बड़ी आपको समझाने के लिए मैंने कहा मान लो भैया टू है, समझना बात को ध्यान दे, तो एक बार करो प्लस, और एक बार करो, तो भैया पढ़े लिखे आदमी हो, माइनस बी में रूट टू ऐड कर रहे हो और माइनस बी में रूट टू माइनस कर, दोनों आंसर डिफरेंट नहीं होंगे, यस और नो, डिफरेंट होंगे ना, एक बार ऐड कर रहे हो प्लस रूट टू, एक बार माइनस कर रहे हो, तो ये अलग होगा ये अलग होगा, लेकिन आएंगे दोनों रियल ही। तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये मैंने हल्का फुल्का प्रूफ बता दिया आपको, अदरवाइज आपको केवल ये याद करना है बस, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभार रखा रखा क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या अगर पूछा जाए नेचर बताओ तो नेचर में ये भी बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल 7 है, वो ये कह रहे हैं कि जो ये इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो क्वेश्चन में बोला गया कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के लिए चलो पलक ए की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू भाभी बताएंगे, b जग गए, हाँ गुड, वहाँ से माइनस दिख नहीं रहा होगा, छोटा दिख रहा हूँ, दूर हो ना वो, पीट, चलो c की वैल्यू a b c निकाल लिया। क्वेश्चन में बोला गया था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस, चलो भाटी वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू माइनस फोर होल स्क्वायर, फोर ए की वैल्यू टू सी की वैल्यू, माइनस फोर का स्क्वायर 16, फोर टू जा एट, एट थ्री जा, तो आंसर कितना आया भाटी माइनस एट, मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ई से आया है वो माइनस एट आया है, माइनस एट क्या है, जीरो से कम, जीरो से क्या है ये,
कम, मतलब नेगेटिव। तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से कम है तो आप यहाँ लिखेंगे नेचर, नेचर क्या होता है, नो रियल रूट। तब जाके अगर केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया होगा तो एक नंबर, नेचर पूछा गया होगा तो दो नंबर। तो बस ये आपको बातें याद याद रखनी है। ये नेचर है, एक बच्चा था वैसे नटूरे बोलता था, तो नटूरे नहीं बोलना इसे, नेचर को एक है, होते हैं भाविक ना बच्चे को, जैसे होते हैं कह रहे हैं नटूरे ऑफ द रूट्स, तो नेचर ऑफ द रूट। हाँ बहुत 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 खलीफा बड़े हैं। कॉमन सेंस की बात है, एक जगह लिखा था बिजनेस, अब मैं समझ नहीं पाया कि भैया कमजोरे हम लोग भी थे, बिजनेस को बस स्टैंड पढ़ रहा था, अब क्या सोच के पढ़ रहा था, परे है मेरे नॉलेज से इससे। नटूरे तो फिर भी थोड़ा हमें भी लगा कि हाँ सही बोल रहा है, एन ए टू नट और उरे नटूरे, ये तो पलक बनता है, भटूरे नहीं नटूरे, ठीक है। डाउट है तो आप बताओ किसी बालक को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर एनसीईआरटी की बात करूं, जो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन छोड़े हैं बच्चों के लिए, उसमें एग्जांपल एट जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। क्यों, कहने को तो क्वेश्चन सिंपल है बहुत, पर बहुत से बच्चे लोग ना इसकी हिंदी समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली में, तो इसके कंसेप्ट को समझेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये तो समझ गए ना, ये इधर का कोई, ये तो नेचर समझ गए ना, याद रखना है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसके डायग्राम में और इसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, कोशिश करूंगा समझाने की। कह रहे हैं कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर। समझते हैं यार इसको, जितना मैं पढ़ूंगा उसका आपको मीनिंग बताता चलूंगा। सबसे पहले कह रहे हैं एक सर्कुलर पार्क है, तो मैंने क्या किया, एक सर्कुलर पार्क बना दिया, ठीक है सर। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, कह रहे हैं अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब सीधा, एकदम सीधा होना चाहिए, लुंज पुंज नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, लपा के नहीं ले रहा हो, इस टाइप का, ठीक है। हाँ तो अब पोल हैज टू बी इरेक्टेड, पहले कहना भैया इरेक्टेड टाइट होना चाहिए, एट अ पॉइंट, सुनो सुनो, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, एक पोल होना चाहिए, वो इरेक्टेड होना चाहिए और सर्कल की बाउंड्री पर होना चाहिए, तो सर्कल की बाउंड्री कहीं पर भी ले लो, ठीक है। अच्छा और वो जो सर्कुलर पार्क की जो डायमीटर वो क्या है, 13 मीटर, तो मैंने चलो डायमीटर मैंने ये ले लिया, समझेंगे सारे बच्चे लोग, ये क्या है इसका 13 मीटर डायमीटर, ठीक है सर। अब कह रहे हैं कि इस पूरी बाउंड्री पर एक पोल लेना है आपको, पोल, ठीक है, वो इरेक्टेड होना चाहिए बाउंड्री पर, कहीं भी लेना, देखो कैसे लेना, आगे पढ़ते हैं, इस सच अवे, इस तरीके से लेने हैं, इस तरीके से लेना है, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, पहले तो इसका मीनिंग समझो, डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट का, डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब क्या होगा, हमारा डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट होता है ए और बी, जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं ये एकदम अपोजिट होते हैं, ये एकदम क्या होते हैं अपोजिट। अगर कोई आपसे पूछे सर्कल बना के और ये दे दिया डायामीटर, तो बोला गया कि डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कौन कौन से, तो ए और बी, ठीक है, इनको बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि डायामेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए और बी, ए पर और बी पर कोई भी दो गेट हैं, अब ये पार्क है, पार्क में गेट तो होते ही हैं यार, देखा होगा ना, खैर हम लोग तो उछल के जाते हैं, लेकिन ये गेट भी होते हैं वहाँ पे, गेट भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। अब इसी चीज़ को बस समझना है, एक बार मैं फिर से लास्ट बार पढ़ता हूँ और समझाता हूँ आपको। कह रहे हैं कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, ठीक है, ऑफ अ सर्कुलर पार्क सच अवे, इस तरीके से द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए टू बी बाउंड्री इज 7 मीटर। अब सुनो, अब आपको मान लो कह रहे हैं कि सर्कुलर के किसी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पर आपको ऐसे पोल लेने हैं, और वो कैसे होने चाहिए, सीधे एकदम इरेक्टेड, उनका ए से और बी से जो डायमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है ना, उनका डिस्टेंस 7 मीटर होना चाहिए, उनका डिस्टेंस। अब इस गेट से इस पॉइंट के लिए इरेक्टेड पोल ये रहा, ए से बी का ये रहा, और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सी। अब समझो समझो भाई साहब, डायमेट्रिकली अपोजिट गेट ये हैं, ए और बी हैं, कह रहे हैं इन दोनों गेट से
ठीक है, पूरे सर्कल पर एक ऐसा पॉइंट लेना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है कि ए से सी का सीधा डिस्टेंस और बी से सी का जो सीधा डिस्टेंस है इनका डिफरेंस 7 हो। इनका डिफरेंस क्या हो? 7। देखो ए से सी तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं दीपेश। एक बच्चा ए से सी पर ऐसे आएगा, बाउंड्री पे चल चल के आ सकता है, सी पर आ जाएगा, ठीक है। एक बच्चा ऐसे भी आ सकता है सी पर, यस और नो। एक यहाँ दौड़ के आया, करो अरे हमें तो सी पर जाना है, फिर वो यहाँ पर आ गया। तो ए से सी तक जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हैं, यस और, बट वो कह रहे हैं इरेक्टेड, एकदम सीधा। तो ए से सीधा पॉइंट ये रहा और बी से सीधा पॉइंट ये रहा, तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 7। ऐसा पॉइंट लेना है आपको। क्या चमका? लेने को तो पॉइंट कोई बाला, अगर मैं रफली बताऊं, ये रहा डायमीटर ए बी, एक पॉइंट आप यहाँ पर भी ले सकते हो, तो इनका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 7 नहीं है। एक बच्चा हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पर ले ले कि ये डिस्टेंस और ये इनका जो डिफरेंस है वो 7 नहीं है। तो हमको ऐसा एक पॉइंट लेना है कि इनके गेट से जो सीधा डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 हो। क्या मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? इनका जो डिस्टेंस है ना उसका डिफरेंस 7 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग क्या है कि ए सी और बी सी का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर दिया गया है हमको। और फिर कह रहे हैं एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड, मतलब ए सी और बी सी की आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। अच्छा, ए सी की भी लेंथ बतानी है और बी सी की भी लेंथ बतानी है, तो हमको नहीं पता, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ बी सी एक्स मीटर। बी सी की लेंथ क्या हो गई? एक्स मीटर। तो ए सी की पता नहीं, बी सी कितनी होगी? एक्स। तो ए सी का डिस्टेंस क्या हो गया? एक्स प्लस 7 मीटर। मतलब इसको मैंने एक्स लिया तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस क्या चमका? और ये इरेक्टेड हैं तो पक्की बात है भाई साहब, इनके बीच में एंगल 90 होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था देयर इज नो लपाके इन द पोल। तो अगर ये स्ट्रेट हैं तो एंगल क्या होगा? 90 होगा। गॉट इट? अगर एंगल 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इनमें लग जाएगी। तो बस ट्रायंगल ए बी सी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस क्लियर है? 13 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो यार क्वार्टर इक्वेशन बनी गई। खैर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का 120, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। हाँ जी, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, 12 पंजे 60, 12 से 5 गया 7 आ गया। तो बस तो मैंने क्या किया, x कॉमन लिया तो x प्लस 12, माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 1, एक बार इसको रखो 0 के इक्वल तो x की वैल्यू माइनस 12, इसको रखोगे तो 5। कह रहे हैं कि जो पोल है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये माइनस 12, इम्पॉसिबल, लेंथ कभी माइनस में होती है नहीं। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? 5 मीटर। और ये क्या है? 5 प्लस 7 12 मीटर। ये आ गया हमारे पास 5 मीटर और ये क्या हो गया? मतलब क्या हुआ कि अगर डायामीटर 13 है तो आपको सर्कल पे ऐसी जगह पॉइंट लेना है जिसका बीच से डिस्टेंस 5 हो और इससे डिस्टेंस क्या हो? 12 हो, तभी ये इरेक्टेड रहेंगे। मतलब इनके बीच में 90 भी हमको बनाना है। ये बताओ डायग्राम समझ आया? इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया एक्चुअली में? क्योंकि इसका ना वैसे बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल है ना, बहुत से बच्चे सॉल्यूशन देखते हैं और कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम लग रही, ठीक है, बट कंसेप्ट समझो इसका। इसका जो ये कहते हैं ना डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, बच्चे समझ नहीं पाते एक्चुअली में। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब ए और बी, और इनसे एक ऐसा पॉइंट लेना है जिनसे इनका जो
डिफरेंस है 7 आ जाए, ठीक है। लास्ट एग्जांपल बचा है उसे बताते हैं, इसे लिख लो। चल पानी तो पानी है बेटे, चल देख लो तो एग्जांपल 4.3 का। देखो लास्ट देखो, इसमें कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, नेचर फाइंड करो, अगर रियल नेचर है तो रूट्स भी फाइंड करो, ये तीनों बातें करनी है। तो देखो वैसे एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया है उन्होंने क्या किया, ए की वैल्यू क्या ली है 3, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1/3, उनकी तरह भी कर लो, या मैं चाहता हूँ इसमें एलसीएम ले लो सिंपल सा। 3 एलसीएम आ गया, 3 3 9, 3 2 6x, और ये 1 = 0, 3 तो चला जाएगा इसमें, एक ही तो बात है, ए की वैल्यू कितनी हो गई पलक, बी सी, अच्छा नेचर फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना हो गया -6² -4, ए कितना है 9 और सी कितना है 1, तो ये 36 और -30 कितना आ गया 0। अब सुनो भैया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो नेचर क्या, नटूरे क्या होगा इसका, 2 इक्वल रियल। अब इसका मीनिंग समझो, सुनो इसका मीनिंग समझो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स, 2, कह रहे हैं वो दोनों के दोनों आपस में क्या इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो अब बहुत सा बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर क्वेश्चन ये था, हम इसके फैक्टर करें या हम सर इसके फैक्टर करें, अरे भैया एक ही तो बात है यार, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही है, तो किसी के भी कर लो, इसके कर लो, तो करो भैया, तो 9x². नियम कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और जो वन का मल्टीप्लाई को, 9 1 9 9 के फैक्टर 3 × 3 और 3 में 3 ऐड किया तो 6 लाना, क्या है 6। अब देखो इनसे कॉमन आ रहा 3x, तो 3x माइनस, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, 3x-1 और 3x-1 दोनों सेम हो गए, इसको रखो 0 के बराबर 1/3, इसको रखो 0 के बराबर 2 आएंगे, और दोनों दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या चमका, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, नेचर समझ गए आप लोग, नेचर ऑफ द रूट समझ गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब 4.3 के हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, कोई डाउट है तो बताओ, इसमें सिंपल है, चलिए।